अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको बिल्कुल ताज़ा दूध जो आपके सामने ऊँट से निकालते हैं वो आपको दिखाते हैं। यह बंदा आप देख रहे हैं बिल्कुल ताज़ा, अभी उसने ऊँट से दूध निकाला। इब्राहिम भाई, ये जगह का लोकेशन बता दे ज़रा, ये कौन सी जगह है? हमदानिया तरीके, हाँ, हाँ, तशरिया के करीब बिल्कुल सामने ताज़ा दूध दे रहे हैं। ये देखे वो है, ऐसे में तीन मकान यहाँ से 3 साल के बच्चों से लेके, अच्छा 55, 3 साल के बूढ़ों से लेके 55 साल के बच्चे तक पीते हैं ये भी। सही है, सही है। ये आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका, ये तशलिया रोड है जो तशलिया को जा रहा है, ये हमदानी है। देखिए भाई, अपने उसने एक का निकाल दिया, अभी दूसरे को उठा रहा है, ये दूसरे को उठा रहे हैं। अभी देखेंगे कैसे उठाता है, कैसे दूध निकालता है इससे। दूध वाले सरगना तो इब्राहिम भाई, ये सामने घोड़ा गाड़ी जा रही है, क्या नाम है इसका? ये भी यहाँ पे इसका, ये देखें इसके सामान ला दूध उठा सकते हैं आप इसका यहाँ पे आगे। और पीछे सहरा में जा रही है, हाँ ये देखें। अच्छा पता है, हाँ ज्यादा लोग आएंगे। हाँ देखिए भाई, एक छोटा बच्चा वहाँ पे पी रहा है, वहाँ से जो है ना पढ़ाई, ये हमारे इस्माइल भाई है। सही है, इस्माइल भाई बचपन से ये ऊँट का दूध पीते आए हैं। और ये सदी के साहब हैं, सदी के साहब कितने सालों से? 3 साल के थे ये, जब से ऊँट का दूध पी रहे हैं 3 साल के। अभी इनकी उम्र 4-5 साल हो गई है, अभी भी जो है ना अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं, अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब ऊँट इनको देख के भाग रहे हैं अभी। जब भी ये जाते हैं कोई भी, यहाँ पे एक डेरा है ऊँट का और आगे भी आप देख सकते हैं उधर भी एक डेरा है ऊँट का, इनको जहाँ छोड़ दिया है ऊँट वहाँ से दूध रिलीज करना बंद कर दे रहे हैं। अब ये इनके इतनी, ये बहुत पैसे कमा देंगे, इतना ब्लॉगर बनाए ना। लेकिन माशाल्लाह इनका जो है ना सेहत भी सही है ना सदीकी भाई का। ये ऊँट का दूध पी पी के जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो है ना खड़े हैं। आज जमीन पे था हमारे तो पानी निकल रहा है, बोरवेल मारने की, बोरवेल की मशीन लाने की जरूरत नहीं है भाई, आप सीधे ही सबको छोड़ दें। ब्रह्म भाई ताज़ा दूध आ गया, इसके साथ में ये गोली आप, ये खजूर भी है साथ में ना, ये खाइए और अपनी जान बनाइए। खजूर